अभी तो जो पाकिस्तान के अंदर है ना पीओके, जिसको आप लोग पीओके बोलते हो, हाँ बिल्कुल झेल लेंगे, हमें ताकत है, ये सारे लोग तैयार है आज, और ये सारे के सारे अगर नरेंद्र मोदी जी आज सीपी की अगर ये बात में खड़ा होकर बोलता हूँ, अगर वो सुनने को तैयार है और वो सुन रहे हैं, तो सारी जनता अगर जितनी भी खड़ी है कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए तैयार है, सबका टिकट कटवा दो जाते हैं, और सारे लाल चौक में जाके तिरंगा झंडा फहराने के लिए तैयार है आज की डेट में। आज पहली बार देश को एक प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश को एकजुट कर दिया, जो आज दिन तक कोई कर नहीं पाया। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो बताते थे कि हमने काफी बार कांग्रेस से कहा कि आप जो है ना इस धारा को हटाएं, तो कहते थे कि हाँ हटना तो चाहिए, मगर हटाने के ऊपर चर्चा कभी नहीं करते थे। कांग्रेस के भी कुछ लोग थे जो चाहते थे ये हटे, मगर वो एक परिवार की राजनीति की वजह से खुल के वो भी नहीं कह पाते थे कि ये धारा हटाई जाए, क्योंकि ये कारिस्तानी तो पूरी उन्हीं के परिवार की है, नेहरू जी की देन थी। तो ये जो है ना बहुत जरूरी था हटना। आज देश इतना खुश है, आज इतना खुश है, किसी से भी आप बात करो हर आदमी यही कह रहा है कि बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया है, देश में एक पहला ऐसा काम हुआ है, मोदी जी ने ऐसा काम करके दिखाया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत अब एक है, जो सन 47 से लेकर अभी तक एक नहीं था, पहली बार देश एक हुआ है। माता की तो सर आप क्या कहेंगे, जब धारा हटाना इतना आसान था तो हम बचपन से सुनते आ रहे, इतने दिनों से धारा हटी क्यों नहीं? हिम्मत नहीं थी, हिम्मत जुटानी पड़ती है, इसे कहते हैं 56 इंची का सीना। जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराया, इनके पीछे जो है ना उनका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सारे देश को एक साथ लेके चलते हैं, और वो देख रहे थे कि किस तरह कश्मीरियों की मिट्टी खराब हो रही है, गरीबी में जी रहे हैं, ना वहाँ कोई रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना किसी तरह का कोई विकास हो रहा वहाँ पर। अब जब विकास नहीं होगा, आदमी खाली है, आदमी जब खाली है तो नौजवान जब खाली रहता है तो उसको बरगलाना बहुत आसान होता है, तो कोई ना कोई बरगला आता था, वो आतंकवादी बन जाते थे, इस तरह के जो उल्टी सीधी हरकतें करते थे। अब जब क्या नाम है ये 370 हट गई है, तो वहाँ विकास होगा, आदमी काम पे लगेगा, सब जगह रोजगार होगा, सब जगह खुशहाली आएगी, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आतंकवादी भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। ये 100% सही फैसला है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ कर फैसला लिया है। कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी नेता थे, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ अमित शाह जी से भी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी, ऐसा कानून बना दिया जाए जो देश के गद्दार हैं इनको आजीवन कारावास होनी चाहिए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे अब्दुल्ला हो, इनको पहली बात तो इनको जमानत पर छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे 2 महीने निकल जाए 3 महीने निकल जाए। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे? वो सब पागल हो चुके हैं, सबकी विनाश काले विपरीत मुद्दी। इस समय जो चल रहा है कांग्रेस बिल्कुल खत्म है, कांग्रेस का कोई भी नेता आज की डेट में इसको समर्थन नहीं कर रहा। अभी 4 आदमियों ने समर्थन किया है, अभी 40 आदमी और हैं जो कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर देंगे। राहुल गांधी के अंदर कोई भी नेतागिरी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, राहुल गांधी के अंदर। सर राजनीति तो बनती है, लेकिन ऐसे मौके पर तो पूरे देश को साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि मामला मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश को नहीं, 135 करोड़ लोग साथ में हैं, आज नरेंद्र मोदी के साथ में 135 करोड़ लोग हैं, सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जो पैसों की खातिर जो है ना अपनी राजनीति चमकाए हुए हैं। इन लोगों को भी अब देश के लिए सोचना पड़ेगा, अगर इनको देश में रहना है तो इनको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अब इनको पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी स्पीच देने के लिए ऐसा कानून बना दिया जाए जो भी पाकिस्तान के समर्थन में बोलेगा उनको आजीवन कारावास का, ऐसा कानून बना दिया जाए जो कि इनको आजीवन कारावास हो जाए। और ये कभी भी भारत 375 को हटा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस लगातार इसका विरोध अब भी कर रही है, पीडीपी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, जो आप भी इसका विरोध कर रहे वो देशद्रोही हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये कदम देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और पूरा देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरी सरकार के पक्ष में खड़ा है। अरे कुछ लोग कहते थे बीजेपी सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है, कुछ नहीं करेगी, केवल राजनीति करेगी, नहीं इन्होंने करके दिखाया, और करके भी ऐसा दिखाया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। तो सर जब इतना आसान था, आपने देखा होगा एक दिन में धारा हट गई, फिर इतने दिनों से अटका क्यों पड़ा था मामला? कांग्रेस भी हटा सकती थी, तो सर अटका क्यों पड़ा था मामला? कांग्रेस भी हटा सकती थी। हाँ तो कांग्रेस के अंदर बूता नहीं था, 56 इंच का सीना चाहिए था, 56 इंच का सीना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में था और अमित शाह जी में था। और अभी तो आप देखते जाओ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ,
आप अभी तो पहला स्टॉप है ये, अभी तो आप देखते जाओ कितने छक्के पड़ने वाले हैं। अभी तक तो दिवाली तक देखो क्या होगा। अभी तो जो पाकिस्तान के अंदर है ना पीओके, जिसको आप लोग पीओके बोलते हो, हाँ बिल्कुल झेल लेंगे, हमें ताकत है। ये सारे लोग तैयार है आज, और ये सारे के सारे ये अगर नरेंद्र मोदी जी आज सीपी की अगर ये बात में खड़ा होकर बोलता हूँ, अगर वो सुनने को तैयार है और वो सुन रहे हैं, तो सारी जनता जितनी भी खड़ी है कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए तैयार है। सबका टिकट कटवा दो यहाँ से, और सारे लाल चौक में जाके तिरंगा झंडा फहराने के लिए तैयार है आज की डेट में। अच्छा, कुछ लोग बोलते थे अगर धारा हट गई तो हम जाकर वहाँ पर प्लॉट लेंगे, तो आप कब जा रहे हो? अरे हम तो बहुत जल्दी जा रहे हैं, हम तो अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज लोकसभा के अंदर बिल पास हो रहा है तो चार दिन बाद अपना टिकट कट जाएगा। अपन तो जम्मू तक हो गए आए हुए हैं, जम्मू के अंदर भी हालत बहुत बड़ी है। जम्मू के अंदर कोई उधम दंगा नहीं है कहीं भी, ये कश्मीर के अंदर था ये सारा जो कुछ किया था अलगाववादियों ने किया था, और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे सर, ससुराल मनाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल सर। अच्छा, कब जा रहे हो? हम तो जा रहे हैं दो चार दिन में। अच्छा, कितना सही फैसला है? बहुत अच्छा है फैसला, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए था, लेकिन पता नहीं ऐसे कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही थी। वो अपनी दलाली पे लड़ी हुई कर रहे थे। गांधी तो अब भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत गलत किया है। पागल है पप्पू है, एक नंबर का इटालियन है सर वो, राहुल गांधी इटालियन है, तो हिंदुस्तान का सर कैसे पूछ लेगा वो? हाँ सर, पब्लिक को पता लग जाएगा कि कौन गद्दार है और कौन देश के साथ है। अच्छा, तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, हालात उनकी हो गए, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं लगता देश की जनता के साथ जो राहुल गांधी? कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटा है, लूट के मतलब अपने अपने मुद्दे बनाए उन्होंने, खाली नुहाजी हम आगे को जीतते रहेंगे, हमारी औलाद भी जीतती रहेगी और जो पोते वोते वो भी जीतते रहेंगे, बस वही मुद्दे बना दिए उनके माँ बापों ने। राहुल गांधी तो कह देते कि मोदी जुमलेबाज है। अजी मोदी का जुमलेबाज है, राव पप्पू जुमलेबाज है, पप्पू जुमलेबाज है। क्या कहेंगे सर? मेरे बात खबर है, आप लोग एक मिनट चुप हो। आप सब लोगों ने सुना होगा अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को दो दिन का सम्मेलन किया था, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि आज ही से आप 2024 की तैयारी कर लो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं पाई थी, लोगों को पता नहीं लगा ये छक्का नहीं जो अट्ठा जा रहा है यहाँ पर कश्मीर वाला। 370 धारा खत्म करने के लिए बोला था, और सन 2024 के अंदर मैं आपको फिर कहता हूँ 450 सीटें बीजेपी की आएंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बीजेपी को आने से रोक ले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे देश के। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो धारा हटाई गई है, जो विपक्षी खेमे में लगातार हलचल मची हुई है, विरोध कर रही है? ऐसा है कि कांग्रेस तो अभी नाम ही खत्म हो गया समझो देश के अंदर, क्योंकि जो इन्होंने खिलाफ देश के खिलाफ बात करी है, पार्टी के खिलाफ बात नहीं हुई है, देश के खिलाफ किसी को बोलना बहुत बड़ा खराब है। मतलब इससे सारी जनता को प्रचिड़ होगी, सारी जनता को, क्योंकि देश के खिलाफ कोई भी मतलब गलत जाना गलत है, हमारे देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए आदमी को, देश की पक्ष में उनको आना बहुत जरूरी था। अब मतलब उन्होंने अपने पैर पे खुद कलाड़ी मार ली, आगे वो जीरो के ऊपर आ गए, कभी आगे सीट नहीं आएंगी, जो आ गई सो आ गई। अब दूसरी पार्टियों को आ जाए, जैसे आपने अभी भी संभल गई, पहले तो उन्होंने गलत बोल दिया था कि हमारे देश के ऊपर जो वहाँ जाके स्ट्राइक किया ये किया, गलत बोला था पहले केजरीवाल ने, फिर भी अभी लास्ट में केजरीवाल सुधर गया थोड़ा, क्योंकि पहले भी गलती को महसूस करते हैं। ये बताइए आपने देखा होगा धारा को जो हटाने में कितना टाइम लगा? धारा हटाने में गवर्नमेंट ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। कितना टाइम लगा? एक घंटा, दो घंटा, दो बस घंटा के घंटा दो घंटा ही समझो सेकंडा में काम करना। आसान काम था तो 70 सालों से क्यों उलझा पड़ा हुआ था? 70 सालों से इन्होंने मतलब ये सोचा ही नहीं कि हम हटा दें, ऐसा इन्होंने देश की तरफ में काम किया ही नहीं, इन्होंने कोशिश ही नहीं करी है, तो उल्टा उलझाने वाले थे देश को, इन्होंने कभी देश का अच्छा सोचा ही नहीं, इन्होंने देश का खराब ही खराब सोचा इन्होंने। अच्छा, आप क्या अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आए हैं, अधीर रंजन चौधरी ने सुबह 11 बजे अमित शाह से बहस चल रहा था, उस दौरान उन्होंने कहा था 370 यूएन में बहस चल रहा था, तो अभी अभी सोनिया गांधी ने उसको जब लोकसभा के लंच के टाइम में उनको अधीर रंजन चौधरी को डांटा, आपने क्यों ऐसा कहा, ये तो गलत बात है, तो अमित शाह ने कहा जान दे दूंगा पीओ के लेके छोड़ूंगा। तो सर पाकिस्तान भी लगातार बौखलाया हुआ, कह रहा है कि ये जो मामला था यूएन का मामला था, भाजपा ने इसमें हस्तक्षेप क्यों किया? कोई यूएन का मामला नहीं, का मामला था ही नहीं, ये गलत बात है। कांग्रेस बटा हुआ है दो बटों में। कल जब असम से, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, भुवनेश्वर कलिता राज्यसभा के सांसद थे, वो वहाँ से कांग्रेस को जो बनाने वाले
एकमात्र वही सूत्रधार थे। कल वो इस्तीफा दे दिए हैं, हो सके शाम तक बीजेपी ज्वाइन कर ले। मेरे को तो जो जानकारी मिली है वो शाम तक या कल सुबह तक तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कांग्रेस में ही बटे हुए हैं, चार ग्रुप हो गए हैं कांग्रेस में, सभा में भी दो ग्रुप बट गए हैं। अच्छा, मायावती ने तो जो एस का पक्ष किया लेकिन अखिलेश विरोध कर रहे हैं। हाँ, देख मायावती को पूरा पता है जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो 400 करोड़ के अंदर में जेल में जाना होगा। मायावती को सारा कुछ पता है, सपोर्ट नहीं करूंगा तो जेल में जाऊंगा, इसीलिए सपोर्ट किए हैं। अभी हुर्रियत नेताओं का भी खैर नहीं है, इनकी भी एनआईए की जांच चल रही है, देखा जाएगा क्या होगा। सभी के गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुलाम नबी आजाद ऐसा आदमी है, ये कभी कांग्रेस के कट्टर कांग्रेसी है, कभी सपोर्ट नहीं किए 370 का, अभी भी वो विरोध कर रहे हैं, हुर्रियत नेता का गाना गा रहे हैं। इनको क्या, इनको आईएसआई फंडिंग दे रहे हैं, वही फंडिंग के ऊपर नाच रहे हैं हुर्रियत नेता के ऊपर।